बिल्कुल, मैं वही कहना चाहती हूँ कि खुद की सरकार बचाने के लिए सिर्फ दिल्ली दौरा करना ये आज की सरकार की नई सबसे बड़ी चीज़ हो गई है। और मुझे यही कहना है कि जैसा मैंने जिक्र किया कि कलवा के बाद नांदेड़, नांदेड़ के बाद कल छत्रपति संभाजी नगर, और आज जहाँ खुद उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी जहाँ से आते हैं नागपुर से, वहाँ मयो और शासकीय रुग्णालय में जो है लगभग 25 लोग की मौत हो गई, और दिन ब दिन हम लोग देख रहे हैं कि हर दिन हर घंटे एक मौत हो रही है। तो इसकी जिम्मेदारी सरकार को उठानी पड़ेगी, और हम इसीलिए ये आज यहाँ से कहना चाहते हैं कि बिल्कुल आप सभी को एक साथ मिलकर आना पड़ेगा, सरकार में से दोनों मंत्री का राजीनामा लेना पड़ेगा, इस्तीफा देना पड़ेगा, चाहे वो मेडिकल एजुकेशन मिनिस्टर हो चाहे वो आरोग्य मंत्री हो, ये दोनों की जिम्मेदारी है। क्योंकि जैसा हमने कहा कि हमने देखा है कि जिम्मेदारी किसी डॉक्टर पर डाल देते हैं और खुद मिनिस्टर बच जाते हैं, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। कंटिन्यूस ये घटनाएं घटती जा रही है, सरकार को इसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी और दिल्ली वारियां कम करनी पड़ेगी।